आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किसी भी लक्ष्य को हासिल करना मनुष्य के लिए इतना कठिन नहीं होता है जब वह मनुष्य अपनी पूरी सच्चाई, लगन, मेहनत व निष्ठा के साथ साथ प्रेरणा और प्रोत्साहन एवं सही मार्ग का चुनाव कर ले तो उससे उसकी मंजिल कभी भी दूर नहीं रह सकती और वह अपने जीवन में जो चाहे बन जाता है। दिस इज माई ओन थॉट। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, बेसिक शिक्षा परिषद UPS अकापार, काशीपुर, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर। सम्मानित शिक्षक गणों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा BEO उद्देश्य पूर्ण वीडियो की शुरुआत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित खंड शिक्षा अधिकारी BEO के पुराने प्रश्न पत्रों का व्याख्यानात्मक हल SDI सॉल्व पेपर 2003, एग्जाम डेट 15 नवंबर। प्रश्न नंबर शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर एक में सूची वन और सूची दो के साथ सुमेलित करना है। इसमें सूची एक में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, सूची दो में भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 और 18 में, वाक स्वातंत्र अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 32 में। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही होगा इसका, अर्थात ए का 1 से, बी का 4 से, सी का 2 से और डी का 3 से। इस प्रकार से प्रश्न नंबर एक का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1, 4, 2, 3। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना में, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में, नवम अनुसूची में। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 5 में। प्रश्न नंबर 3, पंचायती राज की अनुशंसा की गई है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, बी 1942 के क्रिप्स मिशन द्वारा, सी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा और ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957। यही आपका डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। कारण आर, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो इसका जो कथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न नंबर 5, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित को बढ़ाना, जनता को राजनैतिक रूप से जागरूक बनाना और इसका जो चौथा ऑप्शन है डी, यही ऑप्शन इसका सही है, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उनमें वोट देने का अधिकार नहीं है। जिसका जो ऑप्शन है वो चौथा है, भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76। प्रश्न नंबर 7, परिस्थितीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इकोटोन, सक्सेशन,
क्लाइमेक्स और सीरियल। अगर आप दो पारिस्थितिकी तंत्र को देखें तो दोनों जो ओवरलैप करते हैं उन्हें इकोटोन कहते हैं। यही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान। इसका जो सही उत्तर है इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान में है, तब जाके भारत में है। प्रश्न नंबर 9, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वाधिक घना बसा राज्य है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है वो सी है, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भूरे रंग की धुंध अथवा एशियाई भूरे रंग का बादल जो एशिया के 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकाश पर आच्छादित है तबाही बचा सकता है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, वर्षा के स्वरूप में, अनाज उत्पादन में, मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इस 10वें नंबर का प्रश्न का उत्तर चारों सही है, उपरोक्त तीनों में। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, हैम्बर्ग जो एल्ब नदी से है, बेलग्रेड का गलत मिलान है ये डेन्यूब से है, तीसरा कीव इसका भी गलत है नीपर, और चौथा जो है लाहौर ये रावी नदी से इसका सुमिलित है, बाकी ए ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में द्वीप दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी गई है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो बेयत शायोधार ये है कच्छ की खाड़ी में, पीरम खंभात की खाड़ी, द्वारका अरब सागर तट और द्वीप ये काठियावाड़ तट। इस प्रकार से इस प्रश्न का चारों में से जो ऑप्शन सही है वो बी है, ए से तीसरा, बी से चौथा, सी से दूसरा और चौथे का 1। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, इटली। यही ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर जो वर्षा जाड़ों में होती है, अतः प्रश्न नंबर 3 का जो सही उत्तर ए है। प्रश्न नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश जन स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करता है? 2011 के अनुसार ये है, इसके चार ऑप्शन देंगे, चीन, नेपाल, भारत, बांग्लादेश। तो ये 2011 के अनुसार बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, रामागुंडम उर्वरक से सुमिलित है, चितरंजन लोकोमोटिव से सुमिलित है, कोरबा एल्युमिनियम से सुमिलित है और डी ऑप्शन पिंपरी ये कीटनाशक, यही इसका ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नदी दी गई है, सूची 2 में सहायक नदी दी गई है। तो गंगा की सहायक नदी सोन है, गोदावरी की सहायक नदी मंजरा है, कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, यमुना की सहायक नदी केन है। इस प्रकार से इसके जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से डी ऑप्शन सही है, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। इस चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें
तो लंबाई के आधार पर अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद तब नागालैंड है, इसके बाद मिजोरम है, बाद में सिक्किम है। इसका ऑप्शन बी होगा 1, 3, 2, 4। प्रश्न नंबर 18, भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, विशाखापट्टनम के समीप, काकीनाडा के समीप, पारादीप के समीप, चेन्नई के समीप। इसका जो चौथा ऑप्शन सही है, चेन्नई के कामारजार के समीप, यही ऑप्शन इसका 18वें का डी ऑप्शन सही होगा, चेन्नई के समीप। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, मध्य प्रदेश में, ये धुधवा स्थान पर मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 20, जो इस प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्यन रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पाल एपी लवी रिपोर्ट, सनातम समिति रिपोर्ट, सरकारिया आयोग रिपोर्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न नंबर 20 का जो सही उत्तर है वो ए है, पाल एपी लवी रिपोर्ट। अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती हैं। हंसिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कंटिन्यू विथ मी।